पूर्व सैनिकों की सुनी समस्याएं, मां नैना देवी जी के चरणों में परिवार सहित निभायाशीष। उपनिदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस अत्री द्वारा लोक निर्माण विश्राम गृह श्री नैना देवी जी ने पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक की विधवाओं और उनके आश्रितों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं को हल किया गया और पूर्व सैनिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को भी जानकारी दी। उपनिदेशक ने आग्रह किया कि सभी योजनाओं का लाभ समय समय पर लें और लगातार सूचनाएं प्राप्त करते रहें। और मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आज मैं नैना देवी में आया हूँ और ख़ास तौर पर मैंने यहाँ के ये पिछले एक साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि नैना देवी क्षेत्र में लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं हैं। खास तौर पर वो फौजी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी तरफ से बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों के डॉक्यूमेंटों में नाम सही नहीं है। जो मैं हमेशा हर जगह यही बोलता आ रहा हूँ, तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप जो हैं वो इनको समय रहते ही पीछे जो हम छोड़ के जाएंगे लोगों को, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरे, मैं आज ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है वो फौज के जो फौजी जो पेंशन आया है उसके हर जो उसका बाढ़ है, उसके जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, जो कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। हम इस उन सुविधाओं से हम अपरिचित हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप है, उसके बीच में बच्चों ने अगर 12वीं के बाद जो है वो किसी प्रोफेशनल कोर्स में जो है वो अपना दाखिला ले रखा है, तो उनको पहले ही साल में जो है उसको एंट्री कराना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। और आपको बता के चलता हूँ कि वो जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो बहुत भारी राशि है, 30,000 रुपये लड़के के लिए है और 36,000 लड़की के लिए। सालाना जो है जितने साल का कोर्स होगा उसमें वो उनको मिलता रहेगा पैसा। तो हमें ये इस चीज़ का हमें तो आभास ही नहीं है, और मैं पूछ रहा था लोगों को तो मेरे भाई यही बता रहे थे कि हमें तो इस स्कीम का पता ही नहीं है। तो आपके जो चारों तरफ जो भी फौजियों के बच्चे हैं उनको ये बताया जाए। लड़कियों के लिए जो है वो 50,000 का, शादी के लिए 2 लड़कियों का प्रावधान है, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि आखिर में जाके जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो देखा जाता है कि लड़की का नाम, बच्चे का नाम जो है उनके डॉक्यूमेंटों में सही नहीं होता है, और वो प्रोसेस सिर्फ 6 महीने का होता है। तो फौजी आदमी जो है 6 महीने के बीच में टोटल क्या करता है कि उनके डॉक्यूमेंटों को तैयार करता रहता है, और वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं, वहाँ अवधि ख़त्म हो जाती है और वो पैसा उनका ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने रहते हुए जीते जी नाम एंट्री देख लो, मैडम का नाम देख लो, सही होना चाहिए, उनका आधार कार्ड मिलना चाहिए। तो मैं इसीलिए आपके बीच में आ जाया हूँ कि इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को देख के आप लोगों ने अपने आगे कदम रखना है। दूसरे, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या इस नैना देवी क्षेत्र में कोई ऐसा आपके पास कोई फौजी नहीं है जिसको के पेंशन ना हो, उसने कुछ नौकरी कर रखी हो? तो मैं आपसे आग्रह करूँगा सभी से कि ऐसे बंदों को ट्रेस करो और उनके डॉक्यूमेंट हमें चेक कराओ, अगर होस्ट होता है तो उनको जो है हम जो पेंशन का प्रावधान है 33,000 रुपये प्रति माह पेंशन लगाने का हम हक रखते हैं, और हम उनको पेंशन दिलाने के जिम्मेवार हैं, बशर्ते कि उनका डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। दूसरे, लड़कियों को जो है वो, एक लड़की को जो है वो फौजी की लड़की को, विवाहित लड़की को भी फौज में जो है वो सिविल में जो है वो नौकरी करने का प्रावधान है। लड़की ने बीटेक कर रखी है, लड़की ने बीएड कर रखी है, टैड कर रखा है, उसमें लड़की जो है वो उसको लड़कियाँ उस कोर्स के सारा कुछ कर लेती हैं, तो जब डॉक्यूमेंटों पर बारी आती है तो उनका डॉक्यूमेंटों में नाम सही नहीं पाया जाता है। तो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस काम को जो है जल्दी कर लो, और जो भी मेरे करने लायक काम होगा, अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो तो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं फिर से नैना देवी या फिर से स्वार घाट या टोपा एरिए में या आपके त्रिशूल एरिए में आऊँगा और वहाँ पर आपके काम वही कर देंगे। आज भी मैं जो विधवाएँ हैं, मेरी माताएँ जो विधवा हुई हैं, उनके कार्ड जो है मैं बना के लाया हूँ और मैं यहीं पर उनको कार्ड भी हैंडओवर कर रहा हूँ। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ बनाए मैंने और कंटीन के कार्ड भी साइन करके अभी दिए हैं। अगर किसी को कंटीन में तक पहुँचने के लिए प्रॉब्लम आती है तो वो लोग जो हैं वो अपने जिसका भी कार्ड है उसके लिए
मेरे से अथॉरिटी लेटर बनवा सकते हैं। वो अथॉरिटी लेटर आप शिमला को, हाँ बिलासपुर बनवा लो, कहीं भी बनवा सकते हो मेरे से। आपको बूढ़े आदमी को कंटीन में ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर है कि 60, 65, 70 साल से ऊपर वाला जो भी सीनियर सिटीजन है वो कंटीन में नहीं जाएगा। और महामारी इसको जो कोविड-19 है इसको देखते हुए भी हमें वहाँ जाने का ऑर्डर नहीं है। तो आप उसके लिए मेरे से एक फार्म है उसमें साइन कराइए, फ़ोटो लगाइए ज्वाइंट, और जाके आप कंटीन कार्ड में जो है वो अपना एंट्री कराइए और आपको सामान मिलेगा। आपके रिस्पॉन्सिबल जो बंदा होता है उसको कंटीन में जाने की अनुमति होगी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे नैना देवी के एक्स सर्विसमैनों के साथ, वीर नारियों के साथ, उनके आश्रितों के साथ जो है वो मिला हूँ। और इनकी भारी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं इनके घर द्वार, इनकी सेवाएं करूं जहां तक हो सके। मैं ये वचनबद्ध हूं कि इन लोगों को जो दूर दराज में बैठे हैं, और ये देखा गया है और मैंने भी असेसमेंट की है कि जो नैना देवी क्षेत्र है वो तरसू और भाखड़ा से लेके और नॉर्थ में जाके दूर तक फैला हुआ है, जो कि एक तरफ जो है वो पंजाब लग जाता है और पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो सतलुज नदी है। और एक मान के चलो तो ये बहुत ही एक मतलब पिछड़ा हुआ, और मतलब फौजियों के हिसाब से इनको कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मैंने इसीलिए कदम उठाया है कि इनके काम जो है घर द्वार किए जाएँ। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं ये इनको एक यही बोल के चलता हूँ कि आपका काम जो है वो यहीं होगा। ख़ास तौर पर जो मेरी बूढ़ी माताएँ हैं, मेरी वीर नारियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, वो जो सक्षम है बिलासपुर आने के लिए वो वहाँ आएगा, नहीं तो उनका काम यहीं पर जो है इसी मंच से कर दिया जाएगा। मैं इसी के साथ आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद।